खान के दुनिया छोड़ जाने के गम में आंसू अभी सूखे भी नहीं कि भारतीय सिनेमा ने एक और महान कलाकार को खो दिया। ऋषि कपूर की 30 अप्रैल की सुबह मृत्यु हो गई, वो भी कैंसर से जूझ रहे थे। ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर ने बुधवार रात को बताया था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें ICU में रखा गया था, जहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ के साथ ही हल्का बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की भी आशंका थी, जिसके कारण उनका कोरोना संक्रमण का भी टेस्ट कराया गया था। 2 साल पहले हुआ था कैंसर। ऋषि कपूर को 2018 में कैंसर हुआ था। इलाज के लिए वो अमेरिका गए थे। वहां 11 महीने रहने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे। अमेरिका में पूरे वक्त उनके साथ उनकी पत्नी नीतू थी। बेटा रणबीर कपूर कई बार उनसे मिलने न्यूयॉर्क में गए थे। कुछ दिनों पहले ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कोई भी काम कर सकता हूँ। सोच रहा हूँ कि एक्टिंग दोबारा कब शुरू करूँ। पता नहीं लोगों को अब मेरा काम पसंद आएगा भी या नहीं। न्यूयॉर्क में मुझे कई बार खून चढ़ाया गया था, तब मैंने नीतू से कहा था कि उम्मीद करता हूँ कि नए खून के बावजूद मैं एक्टिंग भी नहीं भूलूंगा। पिछले हफ्ते से बीमार चल रहे थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो पिछले हफ्ते से बीमार थे। बीते गुरुवार को भी लॉकडाउन होने के बावजूद उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल पास जारी करवा कर अस्पताल लाया गया था। हालांकि तब उन्हें चंद घंटों बाद ही छुट्टी दे दी गई थी। इससे पहले फरवरी में भी उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आमतौर पर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले इस लेजेंडरी कलाकार ने 2 अप्रैल के बाद ट्विटर अकाउंट पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। हालांकि उन्होंने बीते दिनों दीपिका पादुकोण के साथ हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न की रीमेक में काम करने की घोषणा जरूर की थी। ऋषि के निधन से टूट गए अमिताभ। ऋषि कपूर के निधन को लेकर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि वो चले गए ऋषि कपूर, वो चले गए, उनका निधन हो गया, मैं टूट गया हूँ। अभी कल ही यानी 29 अप्रैल को बॉलीवुड के क्लासिक एक्टर इरफान खान इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अब ठीक दूसरे दिन यानी 30 अप्रैल को ऋषि कपूर के निधन की खबर, इन दोनों ही कलाकारों का भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में इनका यूं अचानक से चले जाना भारत और भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।